हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं बेटा, हमने ये सीखना है। ए सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टू सेट बी, रिटन एज ए इक्विवेलेंट टू बी। ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है बेटा। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 ऑन 2। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और हम उन दोनों फंक्शन दोनों सेट्स के बीच में एक फंक्शन डिफाइंड कर दें ए से बी में, और अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, देन वी से दैट सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ये इसकी नोटेशन है, ठीक है जी। तो मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा इस वीडियो में कि कैसे चेक करते हैं कि कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट हो। शो दैट फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये हमें सेट ए दिया गया है, इसमें किस तरह के नंबर है 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसमें किस तरह के नंबर है 2n-1, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इसमें इवन इंटीजर्स हैं, इसमें नेगेटिव इंटीजर, इसमें ऑड इंटीजर्स हैं। सो आई हैव टू डिफाइन अ फंक्शन। जब भी मुझे इक्विवेलेंस शो करनी है, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एफ ए से भी। अगर ये 2n है तो ये एक कम हो जाता है इसमें -1, तो आई डिफाइन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्योंकि ये जो एलिमेंट है एफ के अंदर डालते हैं, इट इज अ बेसिकली एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, क्योंकि जो डोमेन है वो सेट ए में से है, मुझे शो करना है 1 1 ऑन 2, तो इसके लिए मैं शो करूंगा एफ इज 1 1 एंड एफ इज ऑन 2। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 होता हो तो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 भी, यानी कि अगर उनके इमेजेस इक्वल हैं तो वो उनके प्री इमेजेस भी इक्वल होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। Let x1, x2 belongs to A so that fx1 is equal to fx2। अब मुझे fx कैसे दिया गया है, x-1। So according to fx1 ये बनेगा x1-1, fx2 में बन जाएगा x2-1। तो -1 से -1 कट गया, x1 is equal to x2 आ गया। तो हमने स्टार्ट किया था fx1 is equal to fx2 से, और हमारे पास क्या आ गया, x1 is equal to x2। Therefore जो मेरा फंक्शन है वो 1-1 बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या शो करेंगे कि एफ जो है मेरा, इट इज ऑन टू। ऑन टू का ये तरीका होता है कि हमने हमेशा पिछले बी सेट में से एलिमेंट लेना होता है। लेट वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब जो बी सेट के एलिमेंट है इस तरह की शेप में है 2n-1 में, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। फॉर वाई बिलोंगिंग टू बी हम बोलेंगे एक एक्स एग्जिस्ट करेगा 2n टाइप का सेट ए में, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह 2n पुट किया, ठीक है, और फंक्शन था x माइनस वन, तो x की जगह 2n-1 बन गया, तो y निकल के आ गया। मतलब ऑन टू की डेफिनेशन यही होती है, फॉर y बिलोंगिंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x इन a सो दैट fx इज इक्वल टू y। तो इसमें सिर्फ अपने डेफिनेशन के तरह से लिख के बता देना उसको, तो f इज 1-1 ऑन टू बोथ हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एक सेट a है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, और सेट b है जिसमें वो नंबर्स हैं n जो इंटीजर्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये इंटीजर्स का सेट है। हाँ, आपने शो करना कि इनमें इक्विवेलेंस है। तो इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले फंक्शन ध्यान से लेना है और याद रखना है। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे ए से बी, एक्स बाई टू लेंगे फंक्शन की वैल्यू। अगर एक्स इवन नेचुरल नंबर है, अगर आप इवन नंबर पुट करोगे 2, 4, 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, 2, 3, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को बनाएगा ये वाला, ठीक है। तो अगर x ऑड नेचुरल नंबर तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे, ऑड पुट करना ना हमने, 3 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 5-1 4/2-2, ये हमें नेगेटिव इंटीजर्स देंगे और 0 देगा, ये हमें पॉजिटिव इंटीजर्स देंगे। तो नेचुरल नंबर डालने पे पॉजिटिव इंटीजर जनरेट हो रहे हैं, यहां पे नेगेटिव्स एज वेल 0 भी जनरेट हो रही है। मुझे शो करना है कि ये 1-1 होएगा और ऑन 2 होएगा, क्योंकि मुझे शो करना इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एफ इज अ 1-1, लेट एक्स 1 एक्स 2 बिलोंगिंग्स टू ए सो दैट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। अब हमारे पास दो बातें हैं कि ये दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना आपस में। तो मान लीजिए केस वन की बोथ एफ एक्स 1 एंड एफ एक्स 2 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने फंक्शन कैसे डिफाइन किया था, यहां देखो, अगर वो पॉजिटिव तो यहां से बनेंगे ना हमारे, तो इसका आंसर x/2 आएगा। अगर हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर तो उनका आंसर ये आएगा, क्योंकि जब यहां पे नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है और ये नेगेटिव आंसर दे रहा है।
तो हमने केस लिया है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि उनके जो इमेजेस हैं x1/2 x2/2 टाइप के होंगे, 2 से 2 कट गया, सो x1 इज इक्वल टू मेरा x2 आ गया, ठीक है जी। अब केस 2 करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों इंटीजर्स fx1 एंड fx2 नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव केस में हम सेकंड वाला आंसर उठाएंगे फंक्शन में से, -x1 -1/2 -x2 -1/2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर वाली ब्रैकेट रह गई, ये माइनस से माइनस कट गया, x1 = x2। तो दोनों केसेस में अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो हमारी ये डेफिनेशन अप्लाई होगी है, fx1 = fx2 implies x1 = x2। तो हम बोलेंगे कि f मेरा 1-1 हो गया, ठीक है जी। अब मुझे केस करना है ओन टू का, ओन टू की डेफिनेशन कैसे सिखाई हुई है मैंने पीछे आपको, लेट y belongs to b be any element। तो मुझे केस करना है कि अगर y पॉजिटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x लेके दिखाना है, अगर y नेगेटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अगर y पॉजिटिव है तो दो बातें हो सकती हैं, सब केस दो बनाने पड़ेंगे इस केस के, या तो y इवन होएगा या y ऑड होएगा। अगर y इवन है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो x/2 वाला केस बनना है आपका, याद रखना है आपने, तो क्योंकि x/2 है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2n बनेगा ना ये मेरा, तो देयर एग्जिस्ट x = 4n ले लेंगे, इसका डबल ले लेंगे, सो दैट fx = f4n, 4n/2 किया, क्योंकि मेरा फंक्शन था ना x/2, ठीक है ना, तो ये कट के 2n बन जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन लकी। अगर आप 2n-1 ऑड लोगे तो इसका डबल कर लो, वो हो जाएगा 4n-2, सो fx बनेगा 4n-2/2, ठीक है, 2 से 2 कॉमन कट के y आ गया, तो दोनों केसों में fx = y बन गया, यानी कि ऑन 2 हो गया। अगर मेरा y नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y या तो -2n लेना पड़ेगा या ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है ना, ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। अब इसमें भी क्या करना है, क्योंकि हमने जब ऑड वाला लिया था वहां पे आपको याद है -x1 -1/2 वाला था, तो यानी कि ऑड नंबर की तरह जनरेट करना है, ठीक है, x, तो ये जो हमारा -2 है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको डबल कर लो, +1 कर लो, ऑड नंबर ले लो, ठीक है। तो fx = f4n+1, उसमें पुट किया -x - 1/2, x की जगह पुट किया उसको ऑड वाले में, तो माइनस से माइनस कट गया, ये -2n आ गया, ये मेरा y बन गया, तो fx = y आ गया। अगर हम ये ऑड नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो फिर वैसे ही करेंगे, इसका डबल करके रखो, इसको ऐसे रखो -1, ठीक है, उसमें डालो फंक्शन में, 4n-1 x - 1, -+ हो गया, -2 हो गया, ठीक है, 2 कॉमन लिखा के कट के ऐसे बन गया, तो दोनों केसेस में fx = y आ गया। सो देयरफॉर इन ऑल केसेस फॉर y बिलोंगिंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग्स टू a, सो दैट fx = y, इसका मतलब f(2) हो गया। तो इस लेक्चर में यह सिखाया गया कि कैसे दो फंक्शंस को, दो जो सेट हैं, उनमें कैसे इक्विवेलेंट शो करना है हमें 1-1 और 2 से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर गौरव वर्मा।